नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस सी में यूट्यूब चैनल में कैसे हैं दोस्तों एक बार कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताइए तो वॉइस क्लियर है आवाज स्पष्ट है कि नहीं आप सभी को गुड इवनिंग आप सभी को गुड इवनिंग जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और आप सभी स्टूडेंट कॉपी पेन ले के बैठेंगे और नोट भी करेंगे आज मैथ्स में दोस्तों हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एच लघुत्तम उतम समापर महत्तम समापर तक देखिएगा आप सभी स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एलसीएम एस जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एलसीएम एस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम शामिल किए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं तो आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आसान तरीका भी बताएंगे तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और एक बार आज की क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए और आप लोगों की डिमांड पर दोस्तों हम मैथ चैप्टर वाइज यहां पे स्टार्ट किए ठीक है तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग हाँ और आप सभी स्टूडेंट एस एस में अगर का ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेंगे अगर अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो एस एस में अगर ऐप पे दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपी लेखपाल और रेलवे ग्रुप डी की डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं हाँ डेली क्लासेस चल रही हैं एस एस सी ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे पिन किया हुआ है सबसे ऊपर ठीक है चलिए जुड़ गए हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे चलिए बहुत अच्छे बहुत देखिए यहाँ पे जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं जीरो लेवल से चल रही हैं और चैप्टर वाई चैप्टर चल रही है और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहे हैं हाँ सारे देखिएगा नंबर सिस्टम में अभी कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं और क्लास है तो नंबर सिस्टम में और भी क्वेश्चन है तो देखिए हम ऐप पे भी पूरा आपको नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाया हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लेके चल रहे हैं ठीक हाँ, है हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन कराएंगे हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एस एस सी में कराइप से भी मैथ्स और रीजनिंग पढ़ सकते हैं वहां पे पूरी आपकी सिलेबस कंप्लीट है चलिए ठीक है चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दीजिए बेसिक से पढ़ाइए तो चैप्टर वाइज ही स्टार्ट किए हैं चलिए नेक्स्ट देखिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन देखेंगे पहला क्वेश्चन देखिए सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है हां एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल क्वेश्चन से क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पहला है इंपॉर्टेंट है हाँ देखिएगा और यह पूछा गया है पहले एलसीम निकालना आप लोग सीखेंगे ठीक है देखिए कह रहे बीस चालीस पच्चीस और तीस का ज्ञात करें का मतलब ठीक है हाँ, निकालना हम आप लोगों को पहले भी बताए हैं फिर से बताएंगे ठीक है निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं बेसिक तरीका अभी हम आप लोगों को सिखाएंगे पहले आंसर दीजिए तो कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं हाँ पहले से तो आप लोग सीखे देखिएगा एलसीयम निकालने का जो बेसिक तरीका है वो क्या है बीस है उसके बाद से क्या है चालीस है उसके बाद से पच्चीस और आगे क्या है तीस ठीक है, है। देखिएगा बस आप कैसे करेंगे सबसे छोटा संख्या यानी कि दो से कटाएंगे एक से नहीं एक से तो सभी जाएगा दो से ठीक है दो से कटाएंगे दो दहा में बीस और दो दुना के चार यानी कि बीस दुना के चालीस पच्चीस नहीं कटेगा दो से तो पच्चीस को ज्यो का त्यो लिख देंगे ठीक है तीस दो से भाग जाएगा तो पंद्रह बार में होगा फिर देखिए कब तक दो से भाग करेंगे जब तक दो से पूर्णतः सारी संख्याएं कट ना जाए उसके बाद से तीन से कटाएंगे ठीक है फिर आप पांच से कटाएंगे फिर आप सात से कटाएंगे ठीक है बहुत अच्छे कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं तो ये दो पच्चे दस दो दहा में बीस पच्चीस नहीं कटेगा लिख देंगे पंद्रह नहीं कटेगा लिख देंगे ठीक है सीखिएगा अभी आप लोग ठीक है दो से पांच दो पच्चे दस पच्चीस और ये पंद्रह जो कटेगा उसी को कटाना है जो नहीं कटेगा उसको नहीं अब देखिए दो से कोई संख्या नहीं कटेगी तीन से पंद्रह कटेगा तो तीन से देखिएगा पांच पांच और ये पच्चीस और तीन पच्चे पंद्रह अब तीन से कोई संख्या नहीं कटेगा पांच से कटेगा तो पांच एकम पांच, पांच पांच एकम पांच पांच पच्चे पच्चीस एक फिर देखिए आप आगे बढ़ेंगे तो पांच से ये सब कट चुका है ठीक है ये पांच एकम पांच एक नीचे एक एक आ गया ये जो आया वो आपका एल्सियम होगा यानी कि इन सभी संख्याओं का जो एल्सियम होगा वो क्या होगा दो गुने दो गुने दो गुने तीन गुने पांच गुने पांच तो आप देखेंगे पांच पच्चे पच्चीस या पचहत्तर पचहत्तर दुना के डेढ़ सौ डेढ़ सौ दुना के तीन सौ तीन सौ दुना के छे सो आंसर होगा छे सौ आंसर क्या होगा छे सौ आंसर होगा यानी कि इसका जो एल्सियम होगा वो होगा छे सौ और ऑप्शन नंबर होगा सी चलिए बताए समझ में आए कि नहीं ये एकदम बेसिक तरीका है ये बेसिक तरीका है हाँ इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है ठीक है हाँ इससे आसान आप बोलेंगे सिखाए तो इससे आसान नहीं हो सकता है इससे आसान ये हो सकता है एक इसमें सबसे बड़ी संख्या को लेके आप मल्टीप्लाई करें ठीक है वो तरीका हम आपको आगे बताएंगे कि बिना ऐसे कैलकुलेशन किए आप एलसीएम कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का तो आगे बताएंगे पहले अभी आप लोग बेसिक सीखिए बहुत अच्छे एकदम सही हाँ एलसीएम बहुत अच्छे हाँ छोटा से छोटा वो संख्या जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो वो क्या होगा एलसीएम होगा छह सौ जितने स्टूडेंट का आंसर आ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है चलिए देखिए एकदम देखिए क्वेश्चन जो भी आपकी चल रही है एकदम बेसिक से चल रही है हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ेंगे तभी आप लोग सीखेंगे हाँ समझ में आया कि नहीं पहले बताइए एलसीएम आ गया समझ में बहुत अच्छे वेरी गुड चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी इंपॉर्टेंट है यहां पे आप लोगों को क्या निकालना है मौसम यानी कि एच सी एफ कॉमन सी एफ मतलब factor, बड़ा कॉमन फैक्टर बड़ा जो इनको पूर्णता विभाजित कर सके देखिएगा किसका 36 और 144 के मौसम का मान क्या होगा 36 और 144 का एस सी एफ निकालिए हाँ देखिए 36 और 144 का एस सी एफ निकालिए एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ा से बड़ा वो संख्या जो इन दोनों संख्या को विभाजित कर सके देखिए एच कैसे निकाला जाता है बताए हाँ कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे एकदम सही है आप लोग बहुत अच्छे बहुत अच्छे हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं देखिएगा एक तो होता है एक तो होता है जैसे हम आप लोगों को बताएं फैक्टर करने वाला अगर आप 36 का फैक्टर कर रहे हैं देखिएगा समझिएगा इतना कुछ नहीं करना है अभी हम आसान तरीका भी बताएंगे 36 का अगर आप फैक्टर कर रहे हैं तो दो से कटेगा अठारह छत्तीस दो नवा अठारह फिर तीन से जाएगा तीन के नौ फिर तीन से जाएगा एक ठीक है अब देखिए आप सब स्टूडेंट उसके बाद से करेंगे किसका एक सौ चौवालीस का एक सौ चौवालीस का. का जब आप फैक्टर करेंगे तो दो सत्य चौदह दो दुना चार बहत्तर दुना के एक सौ चौवालीस छत्तीस दुना के बहत्तर समझिएगा आप सब स्टूडेंट दो से अठारह हो जाएगा फिर दो से दो नवा अठारह हो जाएगा फिर तीन से कटेगा तीन के नौ और फिर तीन से एक देखिए जो छत्तीस का ध्यान दीजिएगा जो छत्तीस का फैक्टर है वो क्या है देखिएगा आप सब स्टूडेंट दो गुने दो गुने तीन गुने तीन क्या है दो गुने दो गुने तीन गुने तीन है ना अब देखेंगे 144, 144 का जो फैक्टर है वो क्या है देखिएगा आप सब स्टूडेंट दो गुने दो गुने दो गुने कितनी बार है चार बार दो गुने तीन गुने तीन देखिए एच का मतलब होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर अब आप सभी स्टूडेंट देखेंगे तो दोनों में देखिएगा यहां पे देखिए क्या कॉमन है तीन ध्यान दीजिएगा ये भी तीन देखेंगे कॉमन है फिर उसके बाद से आप देखेंगे ये दो कॉमन है फिर आप इसको देखेंगे ये दो कॉमन है ठीक है अभी आप सभी स्टूडेंट देखिए कॉमन क्या मिला हां दो मिल गया गुने दो गुने तीन गुने तीन तो आप इसको देखेंगे दो दुना के चार चारिया बारहती छत्तीस ये छत्तीस क्या होगा बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा यानी जो इसका एच सी एफ होगा एच सी एफ होगा वो होगा थर्टी सिक्स क्या होगा थर्टी सिक्स ये लॉन्ग प्रोसेस है ये बड़ा मेथड है ये आपको नहीं लगाना है छत्तीस तो होगा देखिएगा एक तो ये समझ गए उम्मीद करते हैं समझ गए एक होता है भाग विधि वाला मेथड टू मेथड टू आप लोग सीखेंगे क्या करेंगे भाग विधि वाला सीखेंगे देखिएगा क्या करना है भाग विधि वाला सीखना है यानी कि देखिए 144 को 36 से भाग करेंगे देखिएगा कैसे करना है 144 को आप 36 से भाग करेंगे तो आपको पता है कि 36 दुना के बहत्तर और बहत्तर दुना के 144 ठीक है हाँ तो यानी क्या हो जाएगा छत्तीस चौको एक सौ चौवालीस पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो इसका जो एच होगा जो इसका एच होगा वो होगा छत्तीस ठीक है मैथड टू मैथड टू देखिए आप सभी स्टूडेंट डायरेक्ट छत्तीस से कट रहा है तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा मतलब बड़ा से बड़ा संख्या जो होगा इन दोनों को विभाजित करें वो 36 ही होगा 36 से बड़ा नहीं हो सकता है ठीक है समझ में आ गया जो 36 को विभाजित कर सके तो 36 इसका एस हो जाएगा ये समझ गए एक और तरीका देखिए मेथड थ्री हा तीसरा मेथड आप लोगों को क्या करना है गो थ्रू ऑप्शन थ्रू ऑप्शन आप ऑप्शन से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा समझिएगा हाँ उम्मीद कर रहे हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं. अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे ठीक है पहले थोड़ा सा समझ लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चल रहे हैं. बस थोड़ा सा समझ लीजिए ठीक है देखिए बड़ा से बड़ा वो संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित कर सके 144 144 को विभाजित कर सकता है लेकिन 36 को विभाजित नहीं करेगा ठीक है हां 36 में 144 से भाग जाएगा नहीं जाएगा ये नहीं होगा उसके बाद से बहत्तर देखिएगा बहत्तर दुना के एक होगा लेकिन 36 में बहत्तर से भाग नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगा उसके बाद बड़ा संख्या कौन है छत्तीस छत्तीस से एक सौ चौवालीस को करेंगे तो क्या होगा बताइए आप सब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा तो छत्तीस होगा छत्तीस 36 से छत्तीस कटेगा हां कटेगा तो बड़ा से बड़ा संख्या कौन है छत्तीस ऐसी संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकता है इसलिए छत्तीस एच सी एफ हो जाएगा अगर आप ऑप्शन से कर रहे हैं तो ठीक है उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे क्वेश्चन को ठीक है अभी देखिए क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट को बहुत ही आसान लग रहा होगा ये सारी चीजें कुछ स्टूडेंट वीक भी हैं कोई बात नहीं अभी हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएंगे आप लोगों को ठीक है हाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है दो चार मिनट समझ लीजिए ताकि जो वीक स्टूडेंट है वो भी समझ सके ठीक है उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे एक बार आप लोग बताइए तो समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट करके आप लोग बताए समझ में आ रहा है कि नहीं अगर समझ में आ रहा है तो यस सर कमेंट करिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलिए समझ में आ रहा है बहुत अच्छे बहुत अच्छे हाँ कोशिश करिए समझने का समझ जाएंगे आप लोग ठीक है चलिए एलसीएम और एस निकालना समझ गए ठीक है चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप सभी तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री हम आप लोग को बता दे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन है आ, नौ बटा आठ कमा पंद्रह बटा सोलह और सत्ताईस बटा चालीस का लसा क्या होगा लसा का मतलब एलसीएम एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे हाँ समझने का प्रयास करिए मन लगा के पढ़िए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए इसमें क्या पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है एलसीएम हाँ, क्या होगा तो देखिए जब कभी भी संख्याएं बटा में हो ठीक है बटा में हो तो और यहां पे पूछे आपसे एलसीएम तो ये जो ऊपर वाली संख्याएं आपको दिख रही हैं इसका आप निकालेंगे एलसीएम और जो नीचे वाली संख्याएं दिख रही है इसका आप निकालेंगे एच ठीक है बटे वाले के लिए क्या करेंगे समझिएगा आप सब स्टूडेंट जब कभी भी संख्याएं आपको बटे में दिखे तो क्या करेंगे देखिएगा फिर से समझाते एक बार समझिएगा आप लोग जब कभी भी संख्याएं हो तो आप क्या करेंगे जो ऊपर वाली संख्याएं हैं यानी कि नौ पंद्रह और सत्ताईस इसका आप निकालेंगे एलसीएम ठीक है हाँ और जो नीचे वाली संख्याएं हैं क्या आठ सोलह और चालीस इसका आप निकालेंगे एच सी ठीक है बस यही करके बटा में कर देना है ठीक है तो नौ पंद्रह सत्ताइस का एल्सियम कैसे निकालेंगे देखिएगा नौ पंद्रह सत्ताइस नौ पंद्रह और सत्ताइस ध्यान दीजिएगा समझिएगा आप सब स्टूडेंट तीन से कटाएंगे तीन तरीके नौ तीन पच पंद्रह तीन नौ सत्ताइस फिर तीन से कटेगा एक ये पांच और तीन तरीके नौ फिर से तीन से कटेगा एक पांच और तीन एकम तीन फिर पांच से ये एक, एक, एक. ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा बताइएगा तीन पैंतालीस पैंतालीस एक सौ पैंतीस एक सौ पैंतीस इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एक सौ पैंतीस ध्यान दीजिएगा एक सौ पैंतीस आठ सोलह चालीस का एलसीगा कुछ नहीं करना है आप सभी स्टूडेंट निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे देखिएगा आठ और सोलह का ध्यान दीजिए यानी सोलह में पहले आप आठ से करेंगे ठीक है आठ से भाग करेंगे तो आठ दुना के आठ दुना के सोलह पूर्णता कट जाएगा आठ और सोलह का एस सी आठ ही होगा तो अब फिर आठ और चालीस का तो चालीस में क्या करेंगे आठ से भाग करेंगे तो आठ पच्चे क्या हो जाएगा बताइएगा आप सब स्टूडेंट आठ पद चालीस ये भी पूर्णता कट रहा है यानी क्या हो रहा है आठ ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट आठ क्या हो रहा है इसमें क्या कर सकते हैं छोटा संख्या से पहले आप चेक करेंगे क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है ठीक है हाँ समझ रहे तो यानी इसका एस क्या होगा आठ यानी कि एक बटा का आठ इसका एलसीएम होगा ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एस बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं क्या आंसर आप लोग दे रहे बताए एक बार कमेंट करके आंसर क्या दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 135 बटा का सी नहीं ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा 135 बटा का आठ क्या होता है 135 को 8 से भाग करना 8 एकम क्या होगा आठ पांच तेरह पचपन के अड़तालीस ध्यान दीजिएगा आठ छ के हो जाएगा अड़तालीस पचपन में से अड़तालीस या सात अब इसको लिखेंगे तो ये सोलह सही में हो जाएगा ये सात अंश के रूप में ये आठ हर के रूप में सोलह सही सात बटा का आठ आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हाँ, बहुत अच्छे वेरी गुड जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सोलह सही सात का आठ वेरी गुड जितने स्टूडेंट स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं आप सभी एकदम सही है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों की डिमांड पे सारी क्लासेस चल रही हैं तो अच्छे से पढ़िए मन लगा के समझिए हाँ मन लगा के पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए फिर से समझाएंगे एक बार कमेंट करके बताएं आप लोग समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट कमेंट करके बताएं हाँ चलिए एकदम सही आप सभी स्टूडेंट हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे एकदम सही हाँ ऑप्शन नंबर सी सोलह सही ही सात बटक आठ आंसर होगा समझ में आप लोगों को आ रहा है समझ में आएगा कभी भी बटे में संख्याएं हो देखिएगा तो एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एच अगर एच पूछेगा

और इसकी फी दोस्तों हिंदी आपकी को बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है इसकी भी फी दोस्तों तीन सौ निन्यानवे है उत्तर प्रदेश पुलिस ध्यान दीजिएगा एवं लेखपाल के लिए आप क्या कर सकते हैं दोनों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग दोनों बैच न लेके आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्बो बैच की जो फी है दोस्तों मात्र चार सौ निन्यानवे और ये फी दोस्तों लिमिटेड टाइम के लिए कम किया गया है कभी भी बढ़ सकता है और लिमिटेड स्टूडेंट के लिए तो अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए और आप सभी स्टूडेंट एडमिशन लेके डेली क्लास को ज्वाइन करिए और मन लगा के पढ़िए है ठीक है और कोर्स से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए अगर कुछ पूछना है कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं नंबर है सेवन जीरो एट जीरो वन जीरो में अगर कस्टमर केयर का नंबर है कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं और आप सभी स्टूडेंट क्या करिए हां आप सभी स्टूडेंट क्या करिए कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन करेंगे तो डेली इसमें आप लोगों को चार घंटे की क्लास मिल रही है चार से पांच घंटे की तो क्लासेस आप लोग करेंगे ठीक है देखेंगे, question देखेंगे. Question है चलिए क्वेश्चन 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 देखेंगे देखेंगे नेक्स्ट नंबर नंबर देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर हम आप लोगों को बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तीसरा क्वेश्चन किए सेम उसी टाइप का है क्वेश्चन है चौतीस बटा का नौ पचासी बटा का अठारह और अड़सठ बटा पैतालीस का मौसा क्या होगा मौसम का मतलब एच सी एफ कॉमन फैक्टर क्या मौसम मोस क्या होगा ये बताना है हा बताए एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दे तो आप सभी स्टूडेंट हाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर फोर

हाँ, जो यहां पूछे वो ऊपर वाले के लेंगे और उसका विपरीत नीचे वाले का ठीक है हाँ तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है ऊपर वाले का एच सी एफ लेना है एच सी एफ निकालने के लिए कुछ नहीं करना है एच सी एफ निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है पचासी को आप क्या करिए पचासी को चौंतीस से भाग करिए ठीक है हाँ तो ध्यान दीजिएगा चौतीस से भाग करेंगे तो चौतीस दुना के क्या होगा अड़सठ चौतीस दुना के क्या हो जाएगा हाँ देखिएगा दो चौक आठ दो तीन छह फिर उसके बाद से अड़सठ अड़सठ बारह अस्सी बारह पांच सत्रह सत्रह हो जाएगा फिर देखिए सत्रह से क्या करेंगे चौतीस को भाग करेंगे यहाँ चौंतीस लिखेंगे तरीका देखिएगा सत्रह दुना के चौतीस कटा हो गया, यानी कि इन दोनों का जो एच सी सत्रह फिर आप और अड़सठ का करेंगे यानी कि को सत्रह से भाग करेंगे। तो तो क्या होता है? को ध्यान दीजिएगा आप स्टूडेंट। तो यानी से कटा लास्ट में क्या आया हम लोगों के पास सत्रह यानी कि ऊपर वाले का जब एच सी एफ लेंगे तो यह हो जाएगा सत्रह और नीचे वाले का क्या करेंगे नौ अठारह पैतालीस का ध्यान दीजिएगा नौ अठारह पैतालीस का नौ है अठारह है पैंतालीस है बेसिक तरीका भी आप लोग सीखिए अभी हम आप लोगों को तरीका बताएंगे देखिए इसको क्या करेंगे दो से कटाएंगे तो नौ नहीं कटेगा यह अठारह दो नौ पैंतालीस तीन से कटाएंगे तो तीन के, नौ, तीन के नौ और पंद्रह पैतालीस यानी पंद्रह बार में फिर तीन से कटाएंगे तो एक, एक और तीन पच्चे पंद्रह फिर ये पांच से कटेगा तो एक, एक और एक ठीक है तो इसका जो एल्सियम होगा ध्यान दीजिएगा जो इसका एलसीएम होगा, होगा दो गुने तीन गुने तीन गुने, तीन गुने पांच यानी कि एलसीएम क्या होगा यानी देखिएगा आप सब स्टूडेंट देखिएगा ऊपर वाले का जब एस सी एफ लिए ऊपर वाले का जब एस सी एफ लिए तो सत्रह आया नीचे वाले का एलसीएम लिए तो क्या आया नब्बे आया तो आंसर क्या हो जाएगा सत्रह बटा का नब्बे आंसर होगा सत्रह बटाकर नब्बे आंसर होगा सत्रह बटाकर नब्बे ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड बहुत अच्छे जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे चलिए एकदम सही समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार कमेंट करके बताइए अब देखिए एलसीएम अगर आप चाहें तो इतना ना करके देखिए आपके पास क्या है नौ है अठारह है पैंतालीस है तो बड़ी से बड़ी संख्या पैंतालीस है तो देखेंगे क्या पैंतालीस एलसीएम हो सकता है कि नहीं नौ से कट रहा है पर अठारह से नहीं कट रहा है तो पैंतालीस का दो गुना करेंगे तो नब्बे होगा नौ दहा में नब्बे अठारह पचनबे पैंतालीस गुना के नब्बे आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते यह तरीका हम आप लोगों को आगे बताएंगे ठीक है हाँ, आगे हम आप लोगों को यह भी तरीका बताएंगे सिखाएंगे ठीक है एलसीएम लेने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जाता जो बड़ा वाला नंबर है जो बड़ा वाला नंबर है जैसे 45 तो देखेंगे क्या 45 इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है तो 9 से हो रहा है 18 से नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं पैंतालीस का फिर दो गुना करिए नब्बे नब्बे तीनों क्या दोनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है हाँ दोनों से हो रहा है पैतालीस से भी होगा क्योंकि पैंतालीस का दो गुना है इसलिए नब्बे एलसीएम हो जाएगा ठीक है हाँ एससीएफ के लिए हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर आप सबको पता है आप ऑप्शन से भी इसको जा सकते हैं ऑप्शन से जा सकते हैं देखें सबसे बड़ा ऑप्शन चौंतीस है तो चौतीस से ये कट जाएगा ध्यान दीजिए अड़सठ कटेगा लेकिन पचासी नहीं कटेगा अब चौतीस से छोटा आएंगे तो देखेंगे सत्रह हो रहा है ठीक है लेकिन एलसीएम में क्या हो रहा है नब्बे हो रहा है तो सत्रह बटा कर नब्बे ऑप्शन नंबर सी होगा अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो समझ में आ गया बहुत अच्छे वेरी गुड सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं हाँ चलिए तो कभी भी बटा वाला बटा वाला क्वेश्चन है इस पर प्रकार का क्वेश्चन है एक्स वाई वाई वाला तो ऊपर वाले का जो पूछे वो लेना है मौसम पूछ रहे पूछ रहे तो ऊपर वाले का सीएफ नीचे वाले का एलसीएम ठीक है ये चीज सीख गए हाँ दोनों तीसरा और चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे चार अलार्म घड़िया क्रम शह तीन चार पांच तथा आठ मिनट के अंतराल पर बजती हैं यदि वे एक साथ प्रातः छह बजे बजी हो तो अब से वे एक साथ कितने बजे बजेंगी क्वेश्चन ये है इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग एक बार हाँ चलिए बताए इस क्वेश्चन का आंसर चलिए बताए एक बार आप सभी स्टूडेंट क्या बोल रहे हाँ देखिए चार अलार्म घड़िया तीन चार पांच तथा आठ मिनट के अंतराल पर बजती हैं यदि वे एक साथ प्रातः छह बजे बजी हो तो अब से वे एक साथ कितने बजे बजेंगी देखिएगा जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छे जब हाँ देखिए और गलत आंसर आ रहा है अभी देखिएगा जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है कितने मिनट के अंतराल पर बजती है तीन चार पांच आठ का क्या निकालेंगे एलसीएम एलसीएम निकाल दीजिए वही आंसर होगा कुछ नहीं करना है तो देखिएगा तीन चार ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट तीन चार पांच आठ यही है ना तीन चार पांच आठ एलसीएम निकालना है कुछ नहीं करना है देखिएगा दो से तीन नहीं कटेगा लिख देंगे दो दुना के चार पांच दो चौको आठ फिर दो से कटेगा देखिएगा तीन नहीं कटेगा लिख देंगे एक कट गया और ये दो से नहीं कटेगा दो दुना के चार फिर दो से ध्यान दीजिएगा हाँ तीन एक ये पांच ये एक पूरा एकदम बेसिक से सिखा रहे सीखिएगा तीन से कटेगा एक एक पांच नहीं कटेगा लिख दीजिए एक फिर अब ये पांच से कटेगा ठीक है पांच से एक एक हाँ ये कट जाएगा ठीक है हाँ पांच से पांच एकम पांच एक एक इसका एल्सियम क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट एल्सियम एल्सियम क्या होगा बताइएगा देखिएगा कितना है दो गुने दो गुने दो गुने तीन गुने पांच देखिएगा दो गुने दो गुने दो गुने तीन गुने पांच है ना यानी कि पांच सी आई पंद्रह पंद्रह दुना के तीस तीस गुना साठ गुना के एक सौ तो बीस एक सौ तो बीस अब ये एक सौ तो बीस मिनट के बाद समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आप लोगों को तीन चार पांच तथा आठ मिनट कंट्रॉल पे बचती है देखिएगा तो एलसीएम इसका आया 120 मिनट मिनट आया अब ये देखिएगा 120 मिनट के बाद ये पुनः बजेंगी एक साथ यानी सुबह में 6 बजे बजी है तो 120 ये मिनट है ये क्या है 120 ये मिनट है मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे यानी कि दो घंटा घंटा में बोले तो 2 घंटा बाद ये पुनः बजेंगी सुबह में कितने बजे बजी है 6 बजे ध्यान दीजिएगा सुबह में कितने बजे बजी है छह बजे तो इसमें दो घंटा और जोड़ दीजिए तो अब कितने बजे बजेंगी आठ बजे आंसर क्या होगा बजे बजे आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए बताइए समझ में आया कि नहीं चलिए जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं एकदम सही है कुछ स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी भी दे रहे हैं पता ना कैसे चलिए डी भी दे रहे हैं अच्छा कुछ भी आंसर देने से पहले एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए कुछ नहीं करना है छह बजे बजी है 120 मिनट बाद पुनः बजेंगी 120 मिनट को अगर घंटा में बदले तो साठ से भाग करेंगे दो घंटा तो छह बजे बजी है दो घंटा इसमें क्या करेंगे जोड़ लेंगे दो घंटा इसमें क्या करेंगे आप प्लस करेंगे तो आठ बजे आंसर आएगा हाँ आठ बजे ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा बहुत अच्छे एकदम सही है हाँ उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप सभी स्टूडेंट बताएं एक बार कमेंट करके समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करिए फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट कमेंट करके बताएं चलिए हाँ कमेंट करते रहिए आप सभी स्टूडेंट चलिए समझ में आ गया है बहुत अच्छे बहुत अच्छे देखिए एलसीएम सी आसान होता है और इससे क्वेश्चन भी आसान आते हैं ठीक है ठीके? हाँ आप लोग कर लेंगे एलसीएमएससी के बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे चलिए आप लोगों की डिमांड थी कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाए तो चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन पूरे कवर कर रहे हैं अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना है तो आप लोग एस एस सी में एप पर जरूर पढ़िएगा ऐप पे दोस्तों हम मैथ्स और रीजनिंग एकदम बेसिक से कंप्लीट किए और वहां पर पूरी कवर किए ठीक है यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करा रहे हैं ठीक है कॉन्सेप्ट हाँ, की यहाँ पे अभी क्लास हम नहीं चला रहे कॉन्सेप्ट तो समझा ही रहे हैं लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन करा रहे हैं अगर आपको पूरी कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन पूरा सिलेबस का अगर कंप्लीट करना है मैथ की तो आप लोग एक बार सीमे कर जुड़िएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे आप सबसे सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे चार छ दस और पंद्रह द्वारा विभाजित करने पर हर बार तीन शेषफल प्राप्त होता है क्या बोल रहे सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे चार छह दस और पंद्रह से विभाजित करने पे हर बार तीन शेष सेस शेषफल छोड़ता हो यानी हर बार तीन शेषफल छोड़े यानी कौन ऐसी संख्या है जिसको चार छ दस और पंद्रह से भाग करेंगे तो क्या होगा तीन बचे तो देखिए कुछ नहीं करना है आप क्या करेंगे इसके लिए चार पंद्रह का LCM निकाल लेंगे ठीक है LCM निकाल के उसमें तीन जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा क्या करेंगे एलसीएम निकाल के तीन जोड़ेंगे एलसीएम निकालेंगे तो पूर्णता कटने वाली संख्या आ जाएगी तीन जोड़ देंगे तो हर बार तीन छोड़ेगा बहुत अच्छे वेरी गुड कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे देखिएगा आप सब स्टूडेंट देखिए चार छे दस और पंद्रह का एल्सियम एल्सियम निकालने के लिए हर बार आपको वही नहीं करना अभी क्या कर सकते हैं यहां पे देखिएगा पंद्रह इसमें बड़ा संख्या है देखेंगे क्या पंद्रह एल्सियम हो सकता है चार से भाग जाएगा नहीं जाएगा दो गुना करिए पंद्रह दुना का तीस चार से कटेगा नहीं कटेगा यानी सभी संख्या से देखिएगा तीस तो पंद्रह फिर पैंतालीस चार से कटेगा नहीं पंद्रह चौको साठ चार से कटेगा हाँ पंद्रह चौको साठ छह दहा में साठ दस छ के साठ पंद्रह चौको साठ तो एल्शियम इसका क्या हो जाएगा एल्सियम हो जाएगा साठ और प्लस तीन आंसर हो जाएगा सिक्सटी थ्री एलसीएम हो जाएगा 63. अब आप देख सकते हैं 63 को आप चार से भाग करिए चार से भाग करेंगे तो क्या होगा पंद्रह बार में कटेगा पंद्रह चौको साठ शेष में बचा क्या तीन आप छे से भाग करिए देखिएगा क्या है सिक्सटी थ्री है छे से भाग करिए छह क्या होगा साठ शेष में क्या बचा तीन अब आप सिक्सटी थ्री को दस से भाग करिए देखिए क्या में क्या क्या होगा शेष में में बच बच रहा है? में क्या बच रहा है बच रहा है बताइए देखिए तीन बच रहा है तीन बच रहा है तीन अब आप साठ को क्या करेंगे आप साठ को पंद्रह से भाग करेंगे साठ नहीं है सॉरी सिक्सटी है सिक्सटी को जब पंद्रह से भाग करेंगे तो पंद्रह चौ को क्या होगा साठ शेष में क्या बचा तीन समझ में आया तो इसलिए आंसर क्या होगा सिक्सटी थ्री और ऑप्शन नंबर होगा डी हाँ ऑप्शन नंबर होगा डी बताए आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताइए तो सिक्सटी थ्री आ रहा है हाँ, जितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है हाँ कभी भी क्वेश्चन ऐसे आए कि शेषफल हमेशा ये बचे तो आप उन संख्याओं का एलसीएम निकाल के वो संख्या जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा ठीक है हाँ यहां पे हम चेक भी करके दिखा दिए चलिए समझ में आ गया बहुत अच्छे बहुत अच्छे एलसीएम निकालने का बेसिक वाला तरीका भी बताए इसमें बड़ा से बड़ा संख्या का आप क्या कर सकते हैं हाँ मल्टीपल देख सकते हैं पंद्रह गुने एक क्या पंद्रह हो सकता है नहीं क्योंकि चार से नहीं कटेगा तीस नहीं होगा पैंतालीस नहीं होगा साठ साठ सी संख्या है साठ ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों यानी चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा इसलिए एलसीएम होगा साठ लेकिन कह रहा है तीन शेष बचना चाहिए तो तीन जोड़ दिए ठीक है समझ में आ गया है यस सर कमेंट कर रहे हैं आप लोग ठीक है बहुत अच्छे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले और एक बात और बता दे जितने भी नए स्टूडेंट हैं अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए और डेली आप लोगों की क्लास दोस्तों एट पी से चल रहा है ठीक है हां डेली आप लोगों की क्लास एट पी से चल रहा है आठ बजे कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट करिए डेली पढ़िए मन लगा के पढ़िए चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल फल तीन हजार एक सौ बानवे है तथा उनका एलसीएम छप्पन है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए देखिए क्या बोला है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका LCM दिया है और एस पूछ रहा है तो जब कभी भी दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल और और एलसीफ से क्वेश्चन है ठीक है हाँ एलसीएम एस सी से और दो संख्याओं के गुणनफल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे एलसीएम गुने एच बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखेंगे और याद रखेंगे एलसीएम गुने एच बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे एलसीएम गुने एच बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या देखिए एलसीएम क्या दिया हुआ है फिफ्टी क्या है फिफ्टी सिक्स हम लोगों को बताना है और यहां कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल क्या है देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल क्या है यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या है इकतीस सौ बानवे क्या है इकतीस सौ हाँ तीन हजार एक सौ बानवे ठीक है अब आप एस सी एफ बता सकते हैं ये छप्पन गुने में है बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा यानी कहने का मतलब है एस सी एफ बराबर क्या होगा तीन हजार एक सौ बानवे बटा का छप्पन ठीक है हाँ, बताइए समझ में आया कि नहीं आंसर आ रहे है आप लोगों का बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी गुड हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे तो आप इसको किसी भी संख्या से कटा सकते हैं देखिएगा चौदह से कटाते हैं चौदह चौको छप्पन और चौदह दुना के अट्ठाईस तीन उनतालीस चौदह दुना के अट्ठाइस ग्यारह एक सौ बारह यानी कि चौदह अट्ठे एक सौ बारह फिर चार से चार पच्चे बीस चार होगा यानी कि जो हाइस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा देखिएगा एच सी एफ यानी कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा फिफ्टी सेवन यही आंसर होगा और हम आप लोगों को इसमें थोड़ा सा और बताना चाहेंगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो इसमें क्या होती है या तो LCM HCF का गुणनफल दिया रहेगा और एक संख्या दिया रहेगा दूसरी संख्या पूछ लेगा या LCM HCF का गुणनफल दिया रहेगा दूसरी संख्या दिया रहेगा रहे पहली संख्या पूछ लेगा समझिएगा आप सब स्टूडेंट या आप लोगों से क्या दिया रहेगा एलसीएम एस में से कोई एक दिया रहेगा हाँ और उधर दोनों संख्याएं दी होंगी ठीक है यानी कहने का मतलब है यहां पे एक दो तीन चार चार चीजें हैं चार चीजें में तीन चीजें दी होती हैं एक चीजें पूछता है तो प्रश्न क्या है आसान है ठीक है सॉल्व हाँ, आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लीजिएगा एलसीएम गुने SCA बराबर इसे लिखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या फर्स्ट हाँ, लिखे हैं मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कॉमेंट करिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जल्दी से कमेंट करके बताइए तो आप सभी स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट कर दीजिए और आज की क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए ठीक है लाइक करते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि हम आप लोगों को जो सिखा रहे वो आप लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग आप लोग सीख रहे हैं। हाँ चलिए बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट सर कमेंट करें समझ में आ रहा है बहुत अच्छे एकदम सही है आप सभी स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर एट हम आप लोगों को बता दे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं तीन और चार का लघुत्तम समापो यानी कि एल सी है तो उनका महत्तम समापो तक है यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा देखिएगा एलसीएम दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है देखिएगा दो संख्याएं दी हुई है एलसीएम दिया हुआ है और HCF पूछ रहा है अभी फॉर्मूला हम आप लोगों को क्या बताएं एलसीएम गुने एच सी एफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ठीक है हाँ इसे लिखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ठीक है हाँ, बताए आप सब स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं हाँ ये तो समझ में आया कि नहीं फार्मूला फॉर्मूला तो याद करना है समझ में आ गया एलसीएम सी एम बराबर पहली संख्या गुने दूसरे और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हम लोगों के पास है क्या एलसीएम लघुत्तम समाप है क्या है पांच हजार चार सौ साठ एच सी एफ हम लोगों को बताना है और पहली संख्या क्या है तीन सौ नब्बे दूसरी संख्या क्या है चार सौ बीस ठीक है हाँ तो एच सी एफ आप बता सकते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत देखिए वेरी गुड मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे एकदम सही तो एच सी एफ यानी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा तीन सौ नब्बे बटा का पांच हजार चार सौ साठ पांच हजार चार सौ साठ बताइए कटा सकते हैं देखिए कटाना कैसे हाँ आप कैसे भी कटा सकते हैं ऐसे कटा लीजिए तेरह तिया उनतालीस तीस बार में तेरा चौको तेरा चौको बावन बावन दो चौवन होता है दो छह तेरह के छब्बीस चार सौ बीस चार सौ बीस।, बीस से चार सौ बीस एक बार में डायरेक्ट कटेगा यानी कि होगा क्या तीस जो एच सी एफ होगा जो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा तीस और यही क्या होगा आंसर होगा बताइए समझ में आया कि नहीं हाँ, यानी कुछ भी दे समझिएगा इसमें कुछ भी पूछे बता सकते हैं अगर आपके पास तीन चीजें दी हुई है तो बस आपको पक्षांतर करना है आंसर देना है ठीक है हाँ बताए कितने स्टूडेंट का तीस आंसर है तीस किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर पहले में है ठीक है तो पहला आंसर हो जाएगा हाँ है ना इजी जी आसान है कि नहीं बताइए आसान है बहुत आसान है जब आप लोग पढ़ेंगे सीखेंगे तो आप लोगों के लिए सब कुछ आसान है बहुत अच्छे उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं आप लोग ठीक है बहुत वेरी गुड हाँ एक बार आप सब स्टूडेंट कमेंट करके ये बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रीजनिंग भी वाइज पढ़ना है अच्छा हाँ रीजनिंग भी वाइज पढ़ना है चलिए तो रीजनिंग भी वाइज करा देंगे ठीक है हाँ कोई नहीं चलिए रीजनिंग भी चैप्टर वाइज करा देंगे पहले इसे थोड़ा सा बताइए समझ में आया कि नहीं आ गया है समझ में यस सर बहुत अच्छे बहुत अच्छे देखिए मन लगा के पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए और हम आप लोगों को बता दे इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को एस एस सी ऐप पे दिला देंगे ठीक है हाँ पीडीएफ डी एफ एस एस सी में ऐप पे दिला देंगे ऐप को अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किए तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए पीडीएफ वाले सेक्शन में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपने आप से भी प्रैक्टिस करिएगा और हम आप लोगों को एक बात और बता दे ठीक है ऐप हाँ, पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही हैं और लाइव क्लासेस चल रही है ठीक है।, है हाँ तो आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए चलिए बहुत अच्छे वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन देखिएगा आप सब स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आसान तरीका बताएंगे देखिएगा कह रहा है दो संख्याओं का योग योग मतलब जोड़ छत्तीस है तथा उनके और लमश तीन तथा एक सौ पांच है उनके व्युत क्रमों का योग होगा व्युत क्रमों का योग मतलब एक बटा पहली संख्या प्लस एक बटा दूसरी संख्या समझ रहे ना हाँ इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप लोग दीजिए तो देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग मान लेंगे दोनों जो संख्याएं हैं जो दो संख्याएं हैं, वो x और y है ठीक है x और y है उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है मतलब वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई पूछ रहा है यही तो पूछ रहा है हाँ वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई पूछ रहा है x प्लस वाई दो संख्याओं का योग मतलब बताइएगा आप सभी स्टूडेंट x ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 36 अभी हम आप लोगों को हाँ यहां पर लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर क्या दिए हुए 36 अभी हम आप लोगों को बताएं एक फॉर्मूला क्या बताए थे एलसीएम गुने एस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अभी आप लोग ने ये देखा ठीक है हाँ यहां पे देखिए एलसीएम कितना है तीन है एच कितना है समझिएगा आप सभी स्टूडेंट एलसीएम कितना है देखिएगा एलसीएम क्या है तीन है एस सी एफ क्या है सॉरी देखिएगा सॉरी देखिएगा एलसीएम है एक सौ पांच सी एफ है तीन HCF है तीन ठीक है हाँ. और दोनों जो संख्याएं हैं वो क्या है एक्स और वाई माने हैं या फर्स्ट टू सेकेंड तो इसे बोल सकते हैं एक्स वाई तो एक्स वाई बराबर ये है और हम लोगों से पूछ क्या रहा है हम लोगों से पूछ रहे वन वाई एक्स प्लस वन वाई वाई तो x और y का LCM लेंगे तो क्या होगा एक्स वाई हो जाएगा x से एक्स कटेगा y प्लस वाई से वाई कटेगा x यानी आप इसे कह सकते हैं y प्लस x या XY. तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे y प्लस एक्स कही या तीन प्लस दो ये दो प्लस तीन बातें ही है ठीक है तो x प्लस वाई क्या है छत्तीस ये आपका दिया हुआ है छत्तीस और दोनों संख्याएं जो है एक्स वाई है वो कितना है 105 सौ पांच गुने तीन क्या है 105 सौ पांच गुने तीन देखिएगा 105 सौ पांच गुने तीन अब आपका आंसर आ जाएगा हाँ डायरेक्ट आंसर है अभी एक और तरीका बताएंगे थोड़ा सा सीखिएगा देखिए ये देखिए तीन से कटेगा तीन से यहाँ पे तीन एकम तीन तीन गुना के छह बारह तीन छत्तीस यानी बारह बटा का एक सौ पांच क्या बारह बटा का एक सौ पांच अब ये देखिए ये किससे कटेगा समझिएगा तीन से हाँ तीन से कट जाएगा तीन चौक को बारह ध्यान दीजिएगा तीन तिरी के नौ और तीन पचे पंद्रह ये आ गया चार बटा का पैंतीस चार बटा का क्या यार हाँ चार बटा का पैंतीस चार बटा का पैंतीस है हाँ तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यही आंसर होगा चार बटा का पैंतीस आंसर हो जाएगा चार बटा का पैंतीस कुछ नहीं करना है सब कुछ दिया हुआ है बस समझने का फेर है अगर आप समझ गए तो आंसर दे देंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या देखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है एलसीएम गुने गुना के बराबर होता है और एलसीएम गुने गुना आपका क्या है बताइएगा आप सभी स्टूडेंट एक सौ गुने तीन है समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार बताए आप सभी स्टूडेंट चलिए अभी हम आप लोगों को एक और बता रहे हैं एक और तरीका हम आप लोगों को बता देंगे ठीक है हाँ देखिए अब आप चाहें हाँ, अगर यह तरीका नहीं लगाना चाह रहे तो एक और तरीका सीखिएगा एक और तरीका भी हम आप लोगों को सिखा रहे मेथड टू यहां से आप लोग देखेंगे ठीक है हाँ, दोनों संख्याओं का योग क्या है दोनों संख्याओं का योग क्या है छत्तीस है ठीक है और दोनों संख्याएं क्या होंगी देखिए अभी हम आप लोगों को एलसीएम गुने एस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यह अभी हम आप लोगों को बताएं एलसीएम ध्यान दीजिएगा एलसीएम कितना है ध्यान दीजिएगा एलसीएम जो है वो 105 है यहां पे देखिए दिया हुआ है एलसीएम 105 और एस सी तीन ये 105 है और एस ए तीन है ठीक है और दोनों संख्याएं बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगा ना ध्यान दीजिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आप इसको दो संख्या में ऐसे कन्वर्ट करिए कि जिनका योग क्या है ध्यान दीजिएगा जिनका योग आए 36 तो 105 और 3 का योग 136 नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे 105 को आप फैक्टर करेंगे पांच को तो तीन से कटाएंगे तीन तिरी का ध्यान दीजिएगा और तीन पच्चे पंद्रह यानी कि आप देख सकते हैं पैतीस गुने तीन गुने तीन भी लिख सकते हैं लेकिन तीन तीन के नौ और पैंतीस नौ भी नहीं होगा तो तीन से ना कटा के आप इसको क्या कर सकते हैं आप इसको पांच से कटा सकते हैं से तो पांच दस पांच एकम पांच ध्यान दीजिएगा और गुने क्या होगा आपका पांच इक्कीस गुने पांच कर सकते हैं और ये ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट और गुने तीन होगा थोड़ा सा समझना है अभी आप लोगों को समझना है अगर एक बार समझ गए तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा इक्कीस गुने पांच एक सौ पांच होगा गुने तीन अब देखिएगा इसको अगर हम दो संख्या में करें तो ये पांच पंद्रह हो जाएगा यानी कि किस गुने पंद्रह भी, भी कर सकते हैं और जब हम इक्कीस और पंद्रह को जोड़ेंगे इक्कीस और पंद्रह को जोड़ेंगे तो ये छत्तीस होगा क्या होगा इक्कीस और पंद्रह को जोड़ेंगे तो छत्तीस होगा बहुत अच्छे हाँ वेरी गुड अंकित को सुबह बता रहे इक्कीस पंद्रह एकदम सही जो संख्याएं होंगी वो इक्कीस और पंद्रह होंगी ठीक है दोनों संख्याएं क्या होंगी इक्कीस और पंद्रह और आप लोगों से पूछ क्या रहा है ध्यान दीजिएगा आप लोगों से पूछ रहे उनके भी उत्क्रमों का योग तो संख्याएं इक्कीस पंद्रह आ गई मतलब कि एक बटा का इक्कीस प्लस एक बटा का पंद्रह ये पूछ रहा है तो आप सभी स्टूडेंट इक्कीस और पंद्रह का एलसीएम निकाल सकते हैं बताइए 21 और 15 सिंपल है कुछ नहीं करना है देखिएगा हाँ 21 का पहाड़ा पढ़ लीजिए हाँ तो देखिए क्या होगा बताए आप सब स्टूडेंट 105 ठीक है हाँ 105 तो 21 पच्चे 105 सौ पांच पंद्रह सत्ते एक यानी क्या हो जाएगा 12 बटा का 105 तो ये कटेगा चार तीन से ध्यान दीजिए तीन चौक को बारह तीन तिरी के नौ तीन पच्चे पंद्रह तो चार बटा का क्या हो जाएगा 35, चार बटा का 35, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाँ एकदम सही है आप सब स्टूडेंट उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे तो आप संख्याएं निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं फैक्टर करके एक सौ पांच और तीन का एक सौ पांच को 21 गुने पांच में कन्वर्ट किए हाँ आप पंद्रह सत्ते एक सौ पांच करेंगे तो पंद्रह और सात यानी सात तरीके इक्कीस इक्कीस और पंद्रह तब भी हो जाएगा ठीक है यानी एक सौ पांच को ही दो संख्या में ऐसे कन्वर्ट करिए फिर उसके बाद इसको दो ऐसी संख्या बनाइए कि जिनका योग क्या है छत्तीस आए ये भी तरीका है ठीक है लेकिन जो आसान तरीका है वो सबसे आसान जो तरीका है वो, वो ही है अगर आप ये समझ रहे हैं मेथड वन अगर आप समझ रहे हैं तो इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है ठीक है समझाने के लिए हम आप लोगों को समझा दिए हाँ, जो आप लोगों को अच्छा लगे ठीक है हाँ मेथड वन अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत ईजी है इसमें कुछ करना ही नहीं है डायरेक्ट आंसर देना है ठीक है बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया तो यस सर कमेंट करिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाँ एक कैसे आया देखिए इक्कीस और पंद्रह का एल्सियम लिए एलसीम कैसे लेना है देखिएगा इक्कीस पंद्रह तीन से कटाएंगे तीन सत्य इक्कीस तीन पचे पंद्रह फिर आप कित कटेगा पांच से कटेगा सात नहीं कटेगा एक बार में फिर सात से कटेगा तो सात एक सौ पांच ठीक है हाँ। या आप ऐसे तो यही आया है 105. एक सौ पांच इक्कीस और पंद्रह कैल्सियम एक सौ पांच ठीक है उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे चलिए हाँ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बताए और एक बात और बता दे आप सभी स्टूडेंट को डेली क्लास चल रही है आप लोगों की सुबह में भी क्लास चलती है सात बजे से करंट अफेयर स्टेटीजी के की सुबह में ग्यारह बजे से आप लोगों की क्लास होती है हाँ ग्यारह बजे से आप लोगों की जीएस की क्लास होती है साइंस की ठीक है और शाम को पांच बजे भी क्लास होती है और डेली एट पी एम पे आपकी ये एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है चले हाँ एकदम सही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस आप सभी स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर दस देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से समझना है तीन टैंकरों में क्रमशः चार सौ तीन लीटर चार सौ चौंतीस लीटर और चार सौ लीटर डीजल है ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों की डीजल को सही मात्रा में मापा जा सके यानी कि बड़े से बड़े माप आपको वो बताना है जो तीनों को माप सके मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच निकालना है हाँ जो इनका एचसीएफ होगा कहने का मतलब है 403 434 और चार का क्या निकालेंगे एच जो एच आएगा वही आंसर होगा हाँ बहुत अच्छे अजय कुंताल वेरी गुड बहुत अच्छे सही आंसर है हाँ प्रसेंदीत रॉय वेरी गुड पूनम राज बहुत अच्छे हाँ कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं हाँ बाबा जी बहुत अच्छे दिवाकर शाह हाँ ए के वाई हाँ अंशुल यादव बहुत अच्छे कंचन प्रसाद वेरी गुड हाँ कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं धनंजय कुमार चलिए अभी एक और क्वेश्चन है अभी भागना नहीं है कुछ स्टूडेंट आंसर दे के भागने लगते तुषार अच्छा आंसर है आपका भी सही है चलिए हाँ बलराम आपका भी आंसर सही है चलिए हाँ अजय जितेंद्र पूनम गोपाल बाबा कश्यप मोनू तुषार बलजीत विकास अनिल कुमार कुमार महेश चलिए हाँ वूवी पंत चलिए बहुत अच्छा है हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं क्या करना है एच सी एफ निकालना है देखिएगा एच सी एफ निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है समझिएगा आप सब स्टूडेंट दोनों का पहले देखेंगे यानी कि चार सौ चौतीस को चार सौ तीन से भाग करेंगे तो चार सौ तीन एकम चार सौ तीन ठीक है चार में से तीन जा एक तीन में से जीरो जा तीन कट गया इकतीस ठीक है अब देखिएगा आप सब स्टूडेंट यहां पर देखिए यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है ठीक है अब हाँ, अब देखिएगा हाँ, समझ में आ देखिए से क्या करेंगे अब देखिएगा आप सब स्टूडेंट इकतीस से चार सौ तीन को काटेंगे तो 31 से कम क्या होगा इकतीस अब यहां पे क्या होगा नौ तिरानवे तो इकतीस दिया क्या हो जाएगा तिरानवे हाँ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं यानी इसका क्या होगा इन दोनों का एस हो जाएगा इकतीस अब इकतीस और चार का करेंगे समझ रहे ना हाँ एस निकालना तो सिखा ही रहे अब इकतीस और चार का यानी चार पैंसठ को क्या करेंगे इकतीस से भाग करेंगे देखिएगा इकतीस से कम क्या होगा इकतीस अब यहां पे देखिएगा छह में से जा पांच और यहां पे पंद्रह और ये पांच ठीक है एक सौ पचपन होगा क्योंकि पंद्रह कटेगा नहीं एक सौ पचपन देखिएगा अब क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे हाँ तो इकतीस से क्या ये इसमें भाग जाएगा एक बार देखिएगा आप सभी स्टूडेंट हाँ यहां पे आप सब स्टूडेंट देखिएगा यहां पे 31 से एक सौ पचपन कटेगा हां पांच बार में उड़ता कट रहा है इसलिए जो इसका एच सी एफ होगा 31 होगा 31 लीटर की बड़े से बड़ा माप वो होगा जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करेगा यानी पूर्णतः मापेगा 31 31 ऑप्शन नंबर ए कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं एक बार आप सभी स्टूडेंट बताएं तो कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं चलिए बहुत अच्छे वेरी गुड एकदम सही हाँ चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे एकदम सही हां आंसर होगा 31 देखिए इकतीस से सब कट रहे इकतीस से पूर्णता विभाजित है तीनों संख्या है। बड़ी से बड़ी संख्या इकतीस है इसलिए क्या होगा अधिकतम क्षमता वाली जो अधिकतम क्षमता वाले जो पात्र होंगे वो होगा इकतीस लीटर का इकतीस लीटर आंसर कितने स्टूडेंट का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड बहुत अच्छे उम्मीद करते हैं समझ गए बताए समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करे ये मेथड तो हम अभी आप लोगों को बताए हैं पहले भी बताए हैं ठीक है बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार कमेंट करके बताए तो आप लोग कमेंट करके बताए सभी स्टूडेंट फटाफट कमेंट करिए चलिए ठीक है सभी स्टूडेंट आंसर कमेंट कर रहे हैं चले चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20 48 और 36 से विभाजित करने पर 13 41 और 29 शेष बचे क्या बीस अड़तालीस छत्तीस से विभाजित करने पे तेरह इकतालीस और उन्तीस शेष बचे तो आप सभी स्टूडेंट देखेंगे बीस से भाग करेंगे तो शेष क्या बचना चाहिए तेरह तो बीस में से तेरह घटाएंगे अंतर देखिएगा सात आ रहा है अड़तालीस से दोस्तों ध्यान दीजिए अड़तालीस में से क्या करेंगे इकतालीस घटाएंगे यहां पे भी शेष क्या आ रहा है समझिएगा सात देखिएगा अभी छत्तीस में से दोस्तों क्या करेंगे उनतीस घटाएंगे सब में माइनस करना है तो यहां पर भी सात सब में क्या रहा है सात का अंतर आ रहा है तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को बीस अड़तालीस छत्तीस का एलसीएम निकालिए और सात उसमें से माइनस कर दीजिए देखिए क्या करना है अड़तालीस और छत्तीस का एलसीएम हा 36 का एलसीएम एलसीएम माइनस सात यही आंसर होगा तो एलसीएम निकाल लेते हैं यहीं पे देखिएगा दो दहा में बीस दो से चौबीस दुना के अड़तालीस चौबीस बार में अठारह दुना के छत्तीस दो से दो पच्चे दस दो बारह दो नवा अठारह फिर दो से आप कटाएंगे पांच और दो छ के बारह ये नौ देखिएगा फिर दो से कटेगा ये पांच दो तिहाई छ नौ फिर ये देखिएगा तीन से कटेगा पांच लिख देंगे तीन से कट गया तीन तीन नौ फिर ये देखिएगा तीन से कटेगा पांच हाँ यहाँ पे थोड़ा सा साफ लिख देते हैं हाँ क्या हो रहा है ये तीन है ठीक है ये तीन फिर तीन से पांच हो गया ये एक और ये एक फिर ये पांच से कटेगा किससे पांच से तो नीचे एक 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 हो जाएगा सब एक 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 हो जाएगा तो इसका जो एल्शियम आया वो क्या आया दो गुने दो गुने ध्यान दीजिएगा दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने तीन दी, गुने तीन गुने पांच हाँ बताए क्या आंसर आ रहे बहुत अच्छे तो आप देख सकते हैं ऐसे पांच पैंतालीस एक सौ अस्सी छत्तीस पांच सौ सॉरी सॉरी आया है दो सेकेंड एक बार देखिएगा कितनी बार दो दो चार दो दो चार गुने तीन गुने तीन, तीन पांच हाँ तीन से कटा है तीन एकम तीन 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 के नौ तीन से ठीक है हाँ देखिएगा पास थीज़ाए, पास थीज़ाए, ध्यान दीजिएगा पांच तिहाई पंद्रह पंद्रह पैंतालीस दुना के नब्बे नब्बे दुना के एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी अठारह छत्तीस में से क्या करेंगे सात घटाएंगे तो क्या होगा सात सौ तेरह आंसर आप लोगों का क्या रहा है बताइए तो आप सब स्टूडेंट आप लोगों का आंसर क्या है सात सौ तेरह वेरी गुड 720 भी किसी स्टूडेंट का आ रहा है 720 भी बहुत से स्टूडेंट का आ रहा है 720 नहीं देखिए सात ऐसी संख्या है जिसमें दोस्तों बीस चालीस अड़तालीस हाँ बीस अड़तालीस और 36 से भाग करेंगे तो 13 41 और उन्तीस से बचेगा आप भाग भी करके देख सकते हैं क्या करना है इनका एलसीएम निकाल के माइनस सात करना है हाँ माइनस सात भी करना है 720 में से क्या करना है हाँ 720 में से क्या करना है सात माइनस भी करना है तो सात आंसर होगा गलती नहीं करना है देखिए इनके बीच जो अंतर आ रहा है सात का रहा है तो इनका एलसीएम निकाल के सात माइनस कर दीजिए तरीका पहले भी बताए हैं उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे समझ में आ गया तो एक बार यस सर कमेंट करिए फटाफट और आज की क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें आप लोग शेयर कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम इंस्टाग्राम जितने भी ग्रुप है जहां पे भी शेयर जरूर करिए और चैनल पे नए हैं आप सभी स्टूडेंट अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन वाला आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए मन लगा के पढ़िए अच्छे से चलिए समझ में आ गया बहुत अच्छे चलिए एकदम सही चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए तो देखिए एलसीएम के अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं एलसीएम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कराए अभी इसमें और भी क्वेश्चन है ठीक है हाँ एलसीएम अभी अभी और भी क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बता दे एस एस सी में अगर ऐप पे बहुत से तो स्टूडेंट पढ़े हैं तो आप लोग ऐप से भी पढ़ लीजिएगा जरूर ठीक है हाँ जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं अगर ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन करना है तो एक बार आप लोग एसएससी मेकर ऐप से जरूर पढ़िए मैथ्स और रीजनिंग वहां पे एकदम वहां पे बेसिक से कराए हैं पूरी कॉन्सेप्ट बताएं पूरी थ्योरी बताएं हैं ठीक है थीके? और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कराए तो ऐप से भी आप लोग जरूर पढ़िए सिस सी मेकर ऐप का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक पर क्लिक करिए ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए हा कमेंट बॉक्स में भी है प्ले स्टोर पर आप जा सकते हैं सीसी मेकर टाइप करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए ठीक है और मन लगा के पढ़िए फटाफट कमेंट करके बताइए तो आज ग्यारह क्वेश्चन कराए हैं कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए कमेंट करके आप लोग एक बार बताइए हाँ चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए तो कितने क्वेश्चन सही किए ग्यारह क्वेश्चन कराएं और जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट ऐप को इंस्टॉल करिए ऐप पे दोस्तों आपका कम एग्जाम रेलवे ग्रुप डी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए क्लासेस चल रही और ऐप पे दोस्तों आपकी जो भी क्लासेज चल रही है उसकी फी बहुत ही कम रखी गई है आरआरसी ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है और इसकी दोस्तों फी मात्र तीन है यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है इसकी भी फी दोस्तों मात्र तीन है और उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है इसकी भी फी दोस्तों

उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं ठीक है चलिए कितने क्वेश्चन किए हैं दस क्वेश्चन ग्यारह में ग्यारह राजकुमार बहुत अच्छे कंचन प्रसाद ग्यारह में ग्यारह हाँ रूमी शर्मा दस क्वेश्चन कुंदन ग्यारह में ग्यारह बहुत अच्छे वेरी गुड हाँ चलिए हाँ कुछ स्टूडेंट हाँ वुवी पंत दस क्वेश्चन ठीक है हाँ नौ क्वेश्चन टीएम क्या नाम आगे गया चलिए हाँ कुछ स्टूडेंट चलिए वीरेंद्र कुमार दस क्वेश्चन सही किए हैं बहुत अच्छे अनूप कुमार दो क्वेश्चन में दो क्वेश्चन लेट नहीं आना है लेट हम थोड़े से होते हैं आप लोगों को लेट नहीं होना है ठीक है चलिए कितने क्वेश्चन किए हैं आप लोग अजय कुमार ग्यारह में ग्यारह बहुत अच्छे चलिए हाँ नौ क्वेश्चन आठ क्वेश्चन सात क्वेश्चन ऐसे भी है आप लोगों के ठीक है कोई नहीं जिनका देखिए कम आया है जो कम क्वेश्चन कर रहे हैं ना जिनको कम समझ में आ रहा है विराट ग्यारह में ग्यारह किए हैं ठीक है कुसुम ग्यारह में ग्यारह है ठीक है दस क्वेश्चन है हाँ सूरज का चलिए ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी गुड हाँ जिनका कम क्वेश्चन सही हो रहा है हाँ जितने स्टूडेंट दस से नीचे जा रहे हैं नौ से नीचे जा रहे हैं आठ से नीचे जा रहे हैं उन्हें मेहनत करने की जरूरत है और अच्छे से आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग पढ़ाई करिए ठीक है हाँ ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई करिए प्रैक्टिस करिए इसकी पीडीएफ हम आप लोग को एस में मेकर दिला देंगे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टाग्राम से अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पर एससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए किसी भी चैप्टर या टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप हम वहां पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं ठीक है और मन लगा के पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए डेली क्लास को ज्वाइन करिए कहीं पर दिक्कत आ रही है तो बताइए ठीक है जिनका कम आ रहा है परेशान होने की जरूरत नहीं है हो सकता है आप नए स्टूडेंट हैं नए स्टूडेंट है तो आप लोग एस एस सी मेकर ऐप से अगर अभी तक आप लोग मैथ्स रीजनिंग ऐप से नहीं पढ़े एस एससी मेकर ऐप से तो वहां से एक बार आप लोग जरूर

टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे पर सिमे सर्च करके ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे हम आप लोगों को बताते दे। हैं डेली जो भी क्लासेस चलती है उसकी टाइम की नोटिफिकेशन आपको दी जाती है कि ये क्लास इतने बजे से चल रही है लाइव हो गई है हाँ सारी चीजें तो टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन करिए चलिए ठीक है बहुत अच्छा और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेलाइकॉन को ऑन करके जुड़ जाइए डेली क्लास को ज्वाइन करिए मन लगा के पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए ठीक है चलिए तो आज की क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए ठीक है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद